इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सरगर्मियां मध्य प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। ये सरगर्मी उत्तर प्रदेश के नेताओं का मध्य प्रदेश कनेक्शन की वजह से है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आगामी 5 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है। उत्तर प्रदेश के सियासी समर की आंच मध्य प्रदेश तक भी आती है और वहां के नेता वोट की चाह में धर्म की राह तलाशते मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों तक पहुंचते हैं। जो है जैसे झांसी हम देखते हैं, तो झांसी का जो पूरा जो सीमाएं हैं वो मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा लगी हुई होती है, तो जब झांसी होता है तो फिर दतिया भी होता है, फिर धार्मिक एक लगाव भी दोनों क्षेत्रों के बीच हम देखते हैं कि चित्रकूट जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। एक तो ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं धार्मिक मुद्दे हम ये देखते हैं कि चित्रकूट में होते हैं, तो दोनों राज्यों में एक संदेश चला जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के नेता मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में धार्मिक स्थान पर मत्था टेकने आते हैं। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में 2021 में योगी आदित्यनाथ का मार्च में 2 बार दौरा हुआ। जुलाई और दिसंबर में हिंदू एकता महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। चित्रकूट में ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी 2021 में पहुंचे थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चित्रकूट के रामघाट पर महिला शक्ति सम्मेलन किया। प्रियंका गांधी का 2021 में 2 बार चित्रकूट दौरा हुआ। पीताम्बरा पीठ में 2021 की शुरुआत मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और पूजा अर्चना की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अक्टूबर में दतिया पहुंची और पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की। वहीं राम राजा की नगरी ओरछा में भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। यहां अखिलेश यादव ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। हालांकि राजनीतिक दलों का मानना है कि ये स्थान जाने माने आस्था का केंद्र है, ऐसे में क्या आम क्या खास सभी यहाँ दर्शन करना चाहते है। ये ऐसे सिद्ध स्थान है जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं और अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से ये क्षेत्र लगे हुए हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये शुद्ध आस्था और विश्वास का प्रश्न है और विश्वास के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और प्रदेश के राजनेतागण यहाँ आते हैं क्योंकि ये सिद्ध स्थान है, महान स्थान है, यहाँ से ऊर्जा मिलती है, आशीष मिलती है, कृपा मिलती है, तो बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ भी नेता दर्शन करने और अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए आते हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 10 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। इन जिलों की 40 से ज्यादा सीटें हैं। यही वजह है कि आस्था के साथ साथ इन जगहों पर मध्य प्रदेश के नेताओं को भी चुनावी जिम्मेदारी दी जाती है। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।